स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंपास एजुकेशन में। तो आज हम क्लास नाइन्थ की वर्कशीट 11 जो मैथ की वर्कशीट है उसको देखेंगे। इस वर्कशीट में जो ये हमारे पास आज वर्कशीट आई है 11 नंबर, इसमें बेसिकली एक एरिया और पेरीमीटर यानी क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में बताया गया है। ठीक, तो स्टार्ट करने से पहले बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं। क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल और क्या है परिमाप। इस वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले ये दो वर्ड लिखे हैं मैंने यहाँ पर, क्षेत्रफल और एक परिमाप। इन दोनों का हमें पता होना ज़रूरी है। ठीक, तो क्षेत्रफल क्या है पहली चीज़। तो क्षेत्रफल एक बंद आकृति द्वारा घिरे क्षेत्र को हम क्षेत्रफल कहते हैं, क्लोज एरिया। जैसे एक एग्ज़ाम्पल ये ले लिया, कैसा ही भी ले लो आप, कोई जो ये एरिया है इसको हम क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल। अच्छा, तो और दूसरी चीज़ आती है परिमाप। इसके बंद आकृति के चारों ओर की जो बाउंड्री है इसको हम क्या बोलेंगे, परिमाप बोलेंगे। जैसे एक एग्ज़ाम्पल और देख लो, ये बंद आकृति है तो इसके जो बाउंड्री है ए बी सी डी, यानी कोई आदमी ए से चला और बी पर आया, बी से सी पर आया, सी से डी पर आया और डी से वापस ए पर आ गया, तो ये इसके परिमाप पर चला, तो ये इसकी बाउंड्री जो है इस पर चला, तो इसको हम परिमाप बोलेंगे। तो परिमाप का कहने का एक सीधा सा वो ये है कि बाउंड्री, बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, परिमाप। जैसे हमारे छत की चारों तरफ बाउंड्री होती है उसको हमारे घर का क्या होता है, परिमाप। तो इसी तरीके से अब हम जो आज वर्कशीट में जो क्वेश्चन है ना वो करने वाले हैं। पहला है आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप। देखो, पहला कंसेप्ट यहाँ पर आपको आता है आयत या रेक्टेंगल। इसमें दो चीज़ हैं, आयत का क्षेत्रफल और एक आयत का परिमाप। आयत का क्षेत्रफल देखो, आयत बनता कैसे है पहले तो ये पता होनी चाहिए। आयत की जो है ना आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये भुजा इसके और ये भुजा इसके, ए बी सी डी ये इसकी लंबाई है, लेंथ है, और ये इसकी चौड़ाई है। ठीक भाई, तो अगर मैं इसका एरिया निकालता हूँ तो एरिया हो जाएगा इसका लंबाई इंटू चौड़ाई। यूनिट जो होगी एरिया की वो वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर जो भी होगी वो वर्ग में ही होगी, तो इकाई जो होगी इसकी वो होगी वर्ग इकाई। जो भी यूनिट होगी मीटर सेंटीमीटर इतने वर्ग मीटर। ठीक, ये चीज। अब दूसरी चीज आती है, ये हो गया हमारा इसका क्षेत्रफल। दूसरी चीज आती है परिमाप, कि परिमाप क्या होता है। परिमाप मैंने बता रखा है कि बाउंड्री को हम परिमाप कहते हैं, अगर सारी बाउंड्री को जोड़ दें तो हमें परिमाप मिल जाएगा। तो देखो, ये लंबाई है तो ये भी लंबाई है, ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई है, तो इसमें दो बार तो लंबाई जुड़ रही है और दो ही चौड़ाई जुड़ रही है, तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ से दो कॉमन ले लो, लंबाई प्लस चौड़ाई हमारी अंदर बचेगी, तो ये हो गया इसका परिमाप। और ये था हमारा इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला और ये हमारा हो गया परिमाप का, किसका, परिमाप का। ठीक, दो फॉर्मूले। अब हम इन्हीं फॉर्मूले पर बेस जो क्वेश्चंस हैं ना उनको देखेंगे। एक पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, मैं इसी को कर लेता हूँ, जो कलर में दे रखा है लंबाई दे रखी है उसकी तीन, कितना सेंटीमीटर,
और चौड़ाई दे रखी कितनी, 2 सेंटीमीटर, यानी ये 2 सेंटीमीटर। तो हमें दोनों चीज़ बतानी है, क्षेत्रफल भी बताना है और परिमाप भी बताना है। चलो पहले मैं क्षेत्रफल से स्टार्ट कर देता हूँ। लंबाई और क्या दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है। यहाँ से मुझे क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल तो 3 × 2 तो 6 वर्ग सेंटीमीटर, या हम इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर का स्क्वायर। दूसरी चीज़ आती है परिमाप, होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, हम इसको इंग्लिश में 2l + b भी बोल सकते हैं, 2 3 + 2 तो 3 × 2 = 5, 5 × 2 = 10 सेंटीमीटर। ठीक, चलो नोट डाउन कीजिए। एक तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसी पर बेस्ड है, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए यदि इसका क्षेत्रफल 440 वर्ग मीटर है और लंबाई 22 मीटर है। देखो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं आपको तीसरे क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। भाई देखो क्या है, इसमें अब की बार क्षेत्रफल दे दिया, अब तक तो हम क्षेत्रफल निकाला था हमने, और अब की बार इसने क्षेत्रफल दे दिया। क्षेत्रफल दे रखा है l × b, यही होता है। तो क्षेत्रफल दे रखा है 440 और लंबाई दे रखी है इसने कितनी, 22, और चौड़ाई हमको क्या करनी है, पता करनी है। तो चौड़ाई बराबर हो जाएगी यहाँ पर, देखो इसी डायग्राम में देख लो, इस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, ये दे रखा है कितना 440 और लंबाई इसने दे रखी है 22 मीटर या सेंटीमीटर जो भी है, 22 मीटर। तो चौड़ाई यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो 440 डिवाइडेड बाई 22, तो ये हमारा 2 टाइम, तो ये हमारा आ जाएगा 20। तो चौड़ाई इसकी जो लेंथ है, ओ सॉरी ब्रेथ है, वो कितनी आ जाएगी, 20 मीटर। ठीक भाई, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 वर्कशीट का। अब 3 क्वेश्चन के बाद हम चलते हैं, दूसरा फिगर है हमारा जिसका नाम है क्या, स्क्वायर यानी वर्ग। देखो भाई हम बात कर रहे थे वर्ग की, किसकी, वर्ग। सबसे पहले तो हमें वर्ग पता होनी चाहिए कि उसका चित्र कैसा, देखने में कैसा लगता है। जैसे आयत की बता दी हमने, आमने सामने की भुजाएं क्या थी उसकी, बराबर थी भाई। ठीक, तो बात करते हैं हम वर्ग की। गीला ज़्यादा हो गया क्या, चलो आ जाओ। एक ऐसा चित्र जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा, ए बी सी डी, ये अगर L है, नहीं A, L से नहीं, इसको A से डिनोट करो, ये भी A होगी, ये भी A और ये भी A, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल वो होगा भुजा का वर्ग, और परिमाप जो होगा वो हो जाएगा 1A, 2A, 3A और 1A, 4A। ठीक भाई,
अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन किस टाइप का है? एक वर्ग है जिसकी जो भुजा है वो 4 सेंटीमीटर, यानी ए का मान जो है वो 4 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताओ। ये आपके वर्कशीट में पहला क्वेश्चन जो है ना उसका पार्ट है, क्वेश्चन नंबर, यहाँ लिख लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो इसमें क्या है, क्षेत्रफल हमें बताना है। तो भुजा कितनी है इसकी? ए 4, यानी भुजा का वर्ग, यानी 4 का वर्ग कितना आ जाएगा? 16, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो क्षेत्रफल है वो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। नोट डाउन करिए यहाँ तक आप। इसका भी परिमाप भी बता देता हूँ, चलो मैं साथ के साथ। परिमाप, परिमाप क्या है? 4 × a, चलो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो डायग्राम वो है हमारा त्रिभुज। इसका एक क्वेश्चन नंबर सेकंड और देख लो साथ के साथ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है वर्ग का? एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि जिसका परिमाप 320 है। क्वेश्चन नंबर टू, परिमाप दे रखा है, परिमाप कितना? 4a, 4a की वैल्यू दे रखी 320 बराबर 4a। तो 4a, a की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 320 बटे 4, 80। तो a का मान हो गया 80। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। जब भुजा मिल जाएगी तो क्षेत्रफल भी मिल जाएगा, भुजा का स्क्वायर। तो 80 का स्क्वायर यानी 6400 वर्ग सेंटीमीटर है, मीटर है, जो भी है, मीटर। ठीक भाई, इस तरीके से ये दूसरा क्वेश्चन भी आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब थर्ड जो डायग्राम है वो क्या है? ट्रायंगल, त्रिभुज। जो त्रिभुज है ना उसमें एक समकोण त्रिभुज का कंसेप्ट है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। एक त्रिभुज है ये, और ये इसकी क्या है? एच ऊंचाई है, और ये इसका है ए जिस पर ये 90 डिग्री है। ये इसकी बी है और ये इसकी सी है, ठीक, कैसे भी मान लो, या इसको भी बी मान रखा है। देखो ये दोनों साइडें आपस में क्या है? बराबर है, ठीक। तो अगर मैं यहाँ से देखो, अगर मैं सी ही ले लेता हूँ, चलो छोड़ो, तो अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालता हूँ, किसका? त्रिभुज का। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर मैं निकालता हूँ तो हो जाएगा 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब या लंबवत ऊंचाई, ऊंचाई या शीर्ष लंब भी बोल सकते हैं इसको हम। और परिमाप जो होगा, परिमाप हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों भुजाएं क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। अब बात जो हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो कहाँ से आता है, और ये जो है ना, ये ऊंचाई आधार इंटू ऊंचाई, ये हमेशा समकोण बनेगा तो ही ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसमें जो क्वेश्चन है ना हमारा वो कैसा है भाई? ये 5 दे रखा है, ये भी 5 दे रखा है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, और ये आधार जो है वो 6 है और हाइट इसकी 4 है।
तो सबसे पहली चीज़ तो इसका क्षेत्रफल बताना है कि क्षेत्रफल क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही पार्ट है। क्षेत्रफल होगा इसका 1/2, आधार 6 है और ऊंचाई 4 है, 2 से काट दो 3 बार और 4 तीये 12 वर्ग सेंटीमीटर या मीटर, सेंटीमीटर। दूसरी चीज आती है परिमाप या पेरीमीटर। तो पेरीमीटर के लिए हम क्या करेंगे, सारी भुजाओं को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ऊंचाई नहीं जुड़ेगी, ये ध्यान रख लेना। तो 5 + 5 + 6 10 और 6 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जो आज की वर्कशीट थी, इसमें तीन टॉपिक आज हमने पढ़े हैं। एक पहला है आयत का, दूसरा है वर्ग का और तीसरा है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। ठीक, तो आज की वर्कशीट यहीं समाप्त होती है। अब आप अपने जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें से क्वेश्चन कर सकते हैं। जो तीन आज मैंने बताए हैं इनसे रिलेटेड तीन क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।